गाइस, जूनियर एनटीआर अब बॉलीवुड में एंट्री मारने वाला है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ऐसा ही एक अपडेट हाथ लगा है, वही शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वायरल ऑमलेट पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए। थैंक यू आपका। चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयां दूंगा जूनियर एनटीआर को फॉर विनिंग द ऑस्कर। दोस्तों, RRR के सक्सेस के बाद जूनियर एनटीआर इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर बन चुके हैं, तो कौन नहीं चाहेगा इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने में। टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार अब रेडी है जूनियर एनटीआर के साथ काम करने के लिए। अब हुआ ये कि पिछले साल भूषण कुमार हैदराबाद गए थे साउथ के फिल्म इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करने के लिए, और वो सक्सेस भी हुए। जैसे प्रभास के साथ आदि पुरुष और स्प्रिट फिल्म बना रहे हैं, अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म बना रहे हैं जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, और अब जूनियर एनटीआर के साथ भी एक फिल्म बनाना चाहते हैं। गुरुवार को जूनियर एनटीआर का एनटीआर 30 के शूटिंग स्टार्ट मुहूर्त पे भूषण कुमार गए थे, वही पे थोड़ा बातचीत हुआ दोनों के बीच में, और उसके बाद ही ये न्यूज सामने आया है। जूनियर एनटीआर का फिलहाल दो प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो गया है। एक है एनटीआर 30 कोराटाला शिवा के साथ, जिसका शूटिंग स्टार्ट हो गया है गुरुवार से, और दूसरा है एनटीआर 31 केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ। अगर भूषण कुमार के साथ जूनियर एनटीआर ये प्रोजेक्ट कंफर्म कर लेता है तो ये उनका 32 नंबर प्रोजेक्ट होगा, मतलब एनटीआर 32। फिलहाल तो जूनियर एनटीआर एनटीआर 30 का शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें जानवी कपूर और सैफ अली खान उनके को एक्टर है। तो देखते हैं जूनियर एनटीआर भूषण कुमार के साथ अब ये प्रोजेक्ट साइन करता है, उसका भी अपडेट जल्दी ही लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए।